तो अगर आप भी एक एंड्रॉयड फोन यूजर हैं तो आज की वीडियो बस आप ही के लिए है, क्योंकि आज की वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। बस वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो आप इसे लाइक करें, हमारे चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल का बटन जरूर दबाएं, क्योंकि मैं इस तरह की वीडियो लाते रहता हूँ और इस तरह की वीडियो जैसे ही मैं कोई अपडेट करूंगा ताकि आपको अपडेट मिल जाए और अपने दोस्तों के बीच अपने शेयर करें। तो दोस्तों होता यह है कि हमारा फोन जैसे जैसे पुराना होते जाता है, हमारा फोन फ्रीज होने लगता है, स्लो हो जाता है, हैंग करने लगता है। दरअसल होता यह है कि आप अपने फोन में जो भी ऐप इंस्टॉल करते हैं बाय डिफॉल्ट वो आपके फोन के इंटरनल स्टोरेज में जाकर के वो स्टोर हो जाता है। और ऐसा तो नहीं है कि आपके फोन में सिर्फ एक ही ऐप है, आपको बहुत सारे ऐप्स की जरूरत पड़ती होगी और बाय डिफॉल्ट वो ये होता है कि आपके फोन के इंटरनल स्टोरेज में जाके सेव हो जाता है। तो धीरे धीरे आपका जो इंटरनल स्टोरेज होता है वो फिल होते जाता है, बढ़ते जाता है। नतीजा ये होता है कि उस ऐप को रन करने के लिए जो स्पेस चाहिए होता है वो उसे मिल नहीं पाता है, या फिर आप सिंपल शब्दों में बोल सकते हैं कि आपका जो मेमोरी जो होता है वो चौक होने लगता है और आपका फोन हैंग होने लगता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे कि हमारा फोन हैंग क्यों होता है और अगर हैंग होने लगे तो इससे क्या उपाय है, क्या टिप्स एंड ट्रिक्स है, जिसके बारे में आज हम जानेंगे, जिसको अगर आप फॉलो करेंगे तो आप अपने फोन को हैंग होने से या फिर अगर आपका फोन फ्रिज होता है तो बहुत हद तक आप उसे कंट्रोल कर सकते हैं, या फिर हैंग होने या फिर फ्रिज होने से आप अपने फोन को बचा सकते हैं या फिर बहुत हद तक कंट्रोल हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है प्रियतम एंड यू आर वॉचिंग राइवल वर्ल्ड्स ऑफ पॉसिबिलिटीज वेयर नथिंग इज इम्पॉसिबल। दोस्तों सबसे पहला जो टिप्स है वो ये है कि आपके फोन का जो इंटरनल जो स्टोरेज होता है उसमें बहुत सारे एप्स ऐसे होते हैं कि एट ए टाइम वो रन होते रहते हैं। उनमें से बहुत सारे ऐप ऐसे भी होंगे कि जिनको आपको एट ए टाइम जरूरत नहीं होगी लेकिन वो फिर भी बैकग्राउंड में वो रन हो रहे हैं। तो वो ऐप को सबसे पहले आपको क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है। आइडेंटिफाई करने के लिए आपके फोन का जो मिनिमाइज बटन होगा उसको आप क्लिक करेंगे तो आपका पूरा जो बैकग्राउंड ऐप जो अभी आप एट प्रेजेंट अभी जो आपका मूविंग है जो रन कर रहा है तो वो आपको पूरा लिस्ट आपका फोन आपको दिखा देगा कि कौन कौन सा ऐप अभी आपके बैकग्राउंड में चल रहा है। तो उनमें से आप ये पता कर लीजिए कि किस ऐप की जरूरत आपको अभी है या फिर नहीं है। तो जिन ऐप्स की जरूरत आपको अभी नहीं है आप उन ऐप्स को क्या कर दें, स्टॉप कर दें। इससे क्या होगा, आपका फोन का जो रैम होगा या फिर आपके फोन का जो मेमोरी होगा, बहुत मेमोरी जो होगा वो रिलीज होगा, जिसके चलते आपका फोन जो है हैंग होने से थोड़ा सा कंट्रोल होगा। दूसरा टिप्स ये है कि आपके फोन में जितने सारे ऐप्स हैं उनको टाइम टू टाइम अप टू डेट करते रहिए। अप टू डेट करने के लिए क्या कोई पैसा तो लगता नहीं है, जियो ने अभी फ्री डेली का 1.5 GB डेटा दे रखा है, तो ऐसे भी आपका फालतू का डेटा बेकार ही जाता होगा। तो आप कम से कम आप सप्ताह में एक दिन प्ले स्टोर में जाके विजिट कर लें और ये पता करें कि आपके कौन कौन सा ऐप का अपडेट वर्जन आ गया है। तो आपके जो जो ऐप का अपडेट वर्जन आ गया है आप उसे जाकर के अपडेट कर लें। अपडेट करना इसलिए जरूरी होता है कि डेवलपर जो ऐप जो डेवलपर होते हैं वो ऐप को इस तरह से डेवलप करते हैं, अगर उसका जो अपडेट वर्जन आता है तो उसको इस तरह से अपडेट किया जाता है कि वो आपके रैम को या फिर आपका फोन का जो इंटरनल स्टोरेज है, जो आपका फोन का जो प्रोसेसर है उस पर कम से कम प्रेशर डाल सके, कम से कम बटन पड़ेगा तो आपका फोन जो है हैंग होने से बचेगा। तो इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप अपने फोन में कोई पुराना वर्जन ऐप यूज ना करें, अगर उसका न्यू अपडेटेड वर्जन आया है तो आप उसे अपडेट करके यूज कर सकते हैं। तीसरा नंबर पे जो टिप्स है वो ये है कि आप अपने फोन में जो भी ऐप इंस्टॉल करते हैं आप उसे फोन के इंटरनल स्टोरेज में ना करें, उसे फोन के एक्सटर्नल स्टोरेज में जाके करें इंस्टॉल। इससे क्या होगा कि आपके फोन का जो मेमोरी होगा वो फुल नहीं होगा और आपका फोन जो है वो हैंग होने से बचेगा। तो इसके लिए आपके फोन में कुछ महत्वपूर्ण सेटिंग्स करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले आपके फोन में जो सेटिंग्स है उसको ओपन करना पड़ेगा। सेटिंग्स को ओपन करने के बाद आप उसमें आप पता कर लीजिए एप्स कहाँ पे है। सेटिंग पहले ओपन करेंगे उसके बाद एप्स के बाद उसमें एक ऑप्शन आएगा स्टोरेज। स्टोरेज में जाकर के आपको पता करना है, एक ऑप्शन उसमें ये भी होगा कि प्रीफर्ड इंस्टॉल स्टोरेज,
मतलब आप जो ऐप इंस्टॉल करेंगे वो कहाँ पे जाके इंस्टॉल होगा, आपके फोन के इंटरनल स्टोरेज में या फिर फोन का एक्सटर्नल स्टोरेज में। तो उसमें आप जो प्रीफर्ड इंस्टॉलेशन जो स्टोरेज होगा उसमें आप एसडी कार्ड को सेलेक्ट कर दें। इससे क्या होगा कि आप फोन में जो भी ऐप इंस्टॉल करेंगे वो डायरेक्टली आपके एसडी कार्ड में यानी कि मेमोरी कार्ड में चला जाएगा और आपका फोन का जो खुद का जो मेमोरी होगा वो बचा हुआ रहेगा। तो ये बहुत ये एक बहुत अच्छी टिप्स है, अगर इसको आप फॉलो करते हैं तो आप अपने फोन को हैंग होने से बचा सकते हैं। नेक्स्ट जो टिप्स है कि जो आपके फोन में जो भी एप्स पहले से इंटरनल स्टोरेज में इंस्टॉल है आप उसे एक्सटर्नल स्टोरेज में आप ट्रांसफर कर दें। ट्रांसफर करने के लिए आप सेटिंग्स में जाएं, सेटिंग्स के बाद आपको एप्स का ऑप्शन मिलेगा। एप्स को जैसे ही ओपन करेंगे तो वहां पे एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा मूव टू एसडी कार्ड, यानी कि आप उस पर्टिकुलर ऐप को एसडी कार्ड में मूव करने वाले हैं। तो आप उसे इस टिप्स को फॉलो करके आप अपने ऐप्स को फोन का जो ऐप उसको आप एसडी कार्ड में आप ट्रांसफर कर सकते हैं, जिससे होगा ये कि आपका फोन का जो इंटरनल जो मेमोरी होगा वो रिलीज होगा और आपका फोन फ्री काम करेगा, बेझिझक काम करेगा, बिल्कुल स्मूथली काम करेगा। नेक्स्ट जो टिप्स है वो ये है कि आपके फोन में बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत बार अनवांटेड डेटा जो होते हैं आपके फोन के मेमोरी को बस स्टोर करके रखते हैं, उसको जैम करके रखे हुए होते हैं जिनको आपकी जरूरत होती भी नहीं है। जैसे बहुत सा डॉक्यूमेंट्स होता है, फोटोज होता है, हमारे डे टू डे लाइफ में आजकल तो व्हाट्सएप है, डेली मतलब 100-200 बहुत सारे फोटोज आ जाया करते हैं जो कि आपके फोन को आपके फोन का जो मेमोरी है उसको धीरे धीरे कवर अप करते जाते हैं और आपका फोन का मेमोरी धीरे धीरे चौक होने लगता है, जाम होने लगता है। तो आप पता कर लें आप कि कौन सा फोटो जो है ये आपके जरूरी जरूरत का है, कौन सा वीडियोज है या फिर बहुत सारे सॉन्ग्स मूवीज वगैरह ऐसे होते हैं जिनकी हमें जरूरत नहीं होती, बस एक दो बार ही जरूरत होती है और फालतू का हमारे फोन में रह करके हमारे फोन का जो मेमोरी होता है उसे वेस्ट कर रहे होते हैं। तो आप उन सारे अनवांटेड फाइल्स को आप डिलीट कर दें, इससे क्या होगा कि आपका फोन का जो मेमोरी होगा थोड़ा रिलीज होगा। नेक्स्ट जो टिप्स है वो ये है कि आपके फोन में बहुत सारे एप्स ऐसे होते हैं कि जिनकी जरूरत आपको बस एक बार की ही होती है और उस एक बार की जरूरत के लिए आप उस ऐप को अपने फोन में इंस्टॉल करते हैं और जब आपका काम हो गया तो आप उस दोबारा ऐप को अनइंस्टॉल नहीं करते। तो बहुत सारे एप्स ऐसे होंगे कि जिनकी जरूरत आपको मुश्किल से एक या दो बार ही पड़ती होगी, तो उन सारे एप्स को आप पता कर लें और पता करने के बाद आप उन सारे एप्स को अनइंस्टॉल कर दें। मतलब कि आपका फोन का जो मेमोरी होगा रिलीज होगा, तो रिलीज होगा तो आपका फोन डेफिनेटली आपका फोन स्मूथली काम करेगा। नेक्स्ट जो टिप्स है वो ये है कि आपके फोन में बहुत सारे एप्स ऐसे भी होंगे कि जो कि बहुत सारे डेटा को कंज्यूम करते होंगे, जैसे कि मेरे फोन में था एक एंग्री बर्ड्स, या फिर फेसबुक को ही आप ले लीजिए। फेसबुक का जो स्टैंडर्ड जो वर्जन है वो 60 MB के आसपास का आता है, अगर आप उसी का लाइट वर्जन अगर आप यूज करते हैं तो 1.5 MB के आसपास में आपका काम निपट जाएगा और काम तो बिल्कुल वही होना है लेकिन और आपका फोन का जो मेमोरी होगा वो भी बचेगा। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि उस तरह के जो एप्स हैं कि जो कि आपके फोन को आपके फोन का जो रिसोर्सेस है, रिसोर्सेस कहने से मेरा मतलब है कि आपका फोन का जो रैम हो गया, आपका फोन का जो प्रोसेसर हो गया, आपका फोन का जो इंटरनल स्टोरेज हो गया, तो उन सारे को ज्यादा से ज्यादा वो कंज्यूम करते हैं। तो उन सारे एप्स को मैं ये रिकमेंड करूंगा कि वो ऐप यूज करें लेकिन उनका लाइटर वर्जन जो होता है वो यूज करें। जैसे कि फेसबुक है तो फेसबुक का जो लाइट वर्जन आता है आप वो यूज करें। नेक्स्ट जो टिप्स है, अगर इन सारे टिप्स को फॉलो करने के बाद भी अगर आपका हैंगिंग का जो प्रॉब्लम है वो दूर नहीं होता है तो आप अपने फोन को फैक्ट्री डेटा रिसेट आप कर सकते हैं, रिसेट टू फैक्ट्री डेटा। तो ये क्या होता है इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहिए। उम्मीद करता हूं आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक कर देना क्योंकि लाइक करने से हमारा जो मनोबल होता है वो बढ़ता है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों के बाद शेयर करना। बी हैप्पी, बी ब्लेस्ड। थैंक यू वेरी मच।